तमन्ना भाटिया ने 2023 में गेम चेंजिंग ओटीटी डेब्यू के साथ फैंस को किया एंटरटेन। तमन्ना भाटिया ने सिर्फ पैन इंडिया मूवीज में ही नहीं बल्कि ओटीटी में भी दिखाए अपने जलवे। जी हां, ओटीटी पे छाई है तमन्ना भाटिया। एक के बाद एक जबरदस्त सीरीज और मूवीज के साथ किया एंटरटेन, फिर चाहे वो एक गाना ही क्यों ना हो जिसका नाम है कावाला। आपको बता दे, तमन्ना 2023 में तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में दिखाई दी और इन तीनों प्रोजेक्ट्स के किरदार अलग ही छाप छोड़ के गई है। चलिए बात करते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है जी करदा। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने मिलेगी। वहीं ये सीरीज में तमन्ना का किरदार है लावण्या का। लावण्या एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस रहती है। वही लावण्या के 6 फ्रेंड्स होते हैं जिनको 30 साल की उम्र में समझ आता है कि बचपन में जो इमेजिन किया था वो हकीकत में नहीं होता और लाइफ इतनी भी कलरफुल नहीं होती। लेकिन लावण्या इस चैलेंज को कैसे फेस करती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वही दूसरी सीरीज है लस्ट स्टोरी 2, जिसमें तमन्ना ने शांति का किरदार निभाया है। ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। इस सीरीज में तमन्ना के अलावा बी टाउन के कई सारे सितारे मौजूद है। तमन्ना भाटिया विजय वर्मा की पत्नी बनती है। शांति को अट्रैक्टिव आंखें, फेयर कॉम्प्लेक्स और ग्रेट फिजिक लेडी के तौर पे दिखाया गया है। तमन्ना का शांति का किरदार सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं बल्कि मिस्ट्री भी क्रिएट करता है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी और ट्रू इवेंट पे बेस्ड सीरीज के बारे में, जिसका नाम है आखिरी सच। और इसमें तमन्ना के किरदार का नाम है इंस्पेक्टर आन्या स्वरूप। ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप में देखने मिलेगी। इस सीरीज में आप मर्डर मिस्ट्री भी देखोगे। वही दिल्ली में रहने वाला परिवार जिसमें 11 मेंबर्स थे, उन्होंने एक ही रात में फांसी लगा ली और ये कैसे और क्यों हुआ इसकी जांच पड़ताल करने लगी तमन्ना यानी कि इंस्पेक्टर आन्या। नया साल 2024 के साथ तमन्ना और भी एंटरटेन करेगी जिसमें ऑडियंस को भी कोई शक नहीं है। अब तक 2 रिलीज कंफर्म हुई हैं, जिसमें है वेदा और जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देगी। वही दूसरी रहेगी तमिल फिल्म जिसका नाम है अरनमनई पार्ट 2। वेल, तमन्ना भाटिया के प्रोजेक्ट्स आप कितने ज्यादा एंजॉय करते हो और 2024 में आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए बॉली तड़का 24 चैनल को सब्सक्राइब करें।